नमस्कार, हम स्वाति मिश्रा, अहाँ देख रहल छी मिथिला सस्तक। अखन हम बिहार के मधुबनी जिला के अरेर थाना अंतर्गत ढंगा गांव के एकटा हम मामला बतवा जा रहल छी, जतय महिला थाना अध्यक्ष पर पिटाई कयल गेलनि। सोच सकै छियै, एकटा महिला तै पर से थाना अध्यक्ष, कानून के डर बिल्कुल नहि छै आइ काल्हि के अपराधी के। जे महिला थाना अध्यक्ष के पिटाई कऽ देलखिन, सेहो ओ जे बचवा गेलखिन तै के अंतर्गत। ई मतलब कि एहि हद तक कानूनक डर खत्म भऽ गेल छै अपराधी सबके। बुझाइते नहि छै कि कानून के ओकरा सबके डर, भय नाम के चीजे नहि छै कानून के, जे ओ सब थाना अध्यक्ष के बंदी बना कऽ आ ओहिके बाद पिटाई। मामला अब हम विस्तार से बता रहल छी। मामला छै 20 तारीख के राति 8 बजे के, जखन अरेर के थाना अध्यक्ष जे महिला छथिन ओ गेल छलखिन हँ अपन गश्ती करय के लेल। तखन हुनका एकटा नम्बर से फोन आबै छनि, ओ फोन रोजी कुमारी के नाम से आबै छनि। ओ कहै छथिन कि हमर घर पर जे छै से किछु जे छै से अपराधी आबि गेल, ओ हमरा सबके मारि पीट कऽ रहल, हमर माय बहिन के मारैए, घर पर हमला भऽ रहल अइ, किछु लोक मारि पीट कऽ लैए, से अहाँ जल्दी आ। थाना अध्यक्ष हुनकर फोन पर गेलखिन ओहिठाम। ओहिठाम जखन थाना अध्यक्ष देखलखिन तऽ ओ जे फोन के दौरान कहल गेल छलैए मारि पीट गाली गलौज सबटा सही छलैए, जखन ओ सामने से देखलखिन तऽ हुनका भेलनि विश्वास कि सही मे ई हमरा कऽ रहल छै, मारि पीट ओहिठाम भऽ रहल छै, ओहिठाम हमला चालू छलैए। जखन ओ अपना तरीका से ओ थाना अध्यक्ष ओ मामला के समझाव सबके समझेलखिन जे छलखिन, दुनू दोसर पक्ष के बात सुनलखिन, तखन दोसर पक्ष के एकटा अपराधी के ओ पकड़ि के गाड़ी में बैसबै लए गेलखिन। तै पर जे छै से हुनकर जते भी पूरा 25 दोसर पक्ष के जते भी आदमी छलैए, सब आदमी आबि कऽ थाना अध्यक्ष सहित पूरा पुलिस कर्मी के ओ पकड़ि कऽ बंदी बना कऽ हुनका सबके राखि लेलकनि। आ तै के बाद मारिपीट भेलै, आ हुनकर जखन ओ वीडियो बनबै लए थाना अध्यक्ष अपन फोन निकालखिन के दौरान जे छै हुनकर फोन सेहो छीन कऽ राखि लेल गेलनि। हुनका सबके 1 घंटा तक ओहिठाम लगातार बंदी बना कर राखल गेलनि थाना अध्यक्ष के पास। ओहि समय मे कोनो उपाय नहि छलै जे ओ अपन जान छोड़ा कऽ ओहिठाम सँ निकलतथि, या फिर ओ मामला के ओहिठाम समाप्त कऽ कऽ या फिर मामला के समझा बुझा कऽ अबितथि। महिला के जे छै से एकटा अलग रूम मे बंद कऽ देलनि। तखन हुनका लग एकटा सरकारी फोन छलनि हँ, जाहिसँ ओ DSP के फोन केलखिन। आ तै के बाद जे छै जते भी अगल बगल के क्षेत्र के पुलिस कर्मी छथि, थाना अध्यक्ष सब सब एलनि, आ हुनका ओहिठाम महिला थाना अरेर थाना अध्यक्ष के निकालि कऽ ओहिठाम सँ अनलकनि। आ तै के बाद जे छै से FIR दर्ज सेहो कयल गेलनि, जाहिमे 12 आदमी के नाम देल गेल छनि और 25 आदमी जे छथि से अज्ञात छथि। थाना अध्यक्ष कहलखिन कि से हम जे छै से सकल से तऽ नहि ककरो चिन्ह पेलियै, जखन गाँव के किछु गणमान्य लोक एलखिन हुनका द्वारा जे छै से हमरा नाम बतायल गेल, हम ओहि नाम के कारण नाम बुझि कऽ हम FIR दर्ज केलियै। सोचि सकै छी बिहार मे कई तरह से अपराध बढ़ि चुकल अछि, आब पुलिस कर्मियो सुरक्षित नहि छै। जे पुलिस सुरक्षा करय के लेल रहै छलनि हँ, हुनका आब बंद कऽ कऽ बंदी बना कऽ जे छै से पिटाइ कऽ रहल छनि, बदसलूकी कयल गेलनि, बदतमीजी कयल गेलनि। आखिरकार एना किया भऽ रहल छै अपन मधुबनी बिहार मे? ओ मामला के दौरान जे किछु महिला आ एक दू टा लड़की सब सेहो छलखिन हँ, जे ओहि समय मे थाना अध्यक्ष के उल्टा सीधा बात कहै छलखिन हँ, बदसलूकी करै छलखिन हँ, बदतमीजी करै छलखिन हँ। ओहि दूटा लड़की और एकटा महिला सेहो पकड़ेलथि हँ। और आइ जे छै से ओहिठाम मधुबनी के SP सर सुशील कुमार सर जी सेहो गेल छलखिन हँ, और घटना स्थल पर गेला के बाद संज्ञान लेलखिन आ कहलखिन हँ जल्द से जल्द एहि पर कार्रवाई कयल जेतै, आखिरकार महिला पुलिस कर्मी पर के एना केना के पीट कऽ जे छै से चलि जेतै। विशेष वीडियो आगू देखियौ, घटना स्थल पर जाकर जे छै से मधुबनी के SP सर ओहिठाम की बयान देलखिन हँ, और की घटना स्थल पर गेला के बाद कहलखिन हँ, की संज्ञान लेथिन ताहि के बारे में कहलखिन हँ, देखियो। धन्यवाद। मैं जो हम लोग गए थे थाना अध्यक्ष को घटना के दिन जानकारी मिली थी कि बच्ची के द्वारा फोन किया गया था कि उनके साथ मारपीट कुछ गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाना अध्यक्ष ने अपने फोर्स के साथ तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वो घटनास्थल पर गई। वहाँ पर जो अक्यूज पक्ष के लोग थे उनके द्वारा महिला थाना अध्यक्ष को जो वहीं पे कोचिंग संस्था वो चलाता है कि उसने उसे बंद कर दिया, उस पर तुरंत बड़ी पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ पे फोर्स भेजा गया एक्स्ट्रा, और उसमें जो अपराधी उसमें संलग्न थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, 4 लोगों की टोटल, और उसके अलावा अन्य गिरफ्तारियों के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो अभी मैंने PO पे विजिट किया था उसमें यह बात देखने को समझ में आया कि जो एक्यूज पक्ष है वो एक कोचिंग चलाता है,
और वो जो कोचिंग उसने बनाई है वो सरकारी ज़मीन पे नाला को भर करके अतिक्रमण करके बनाया गया है। मैं अभी चिट्ठी लिखूंगा संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, उसको जांच करा करके अतिक्रमणवाद करा के हम लोग उसको अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आगे करें।